शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसे तो हर माह की पूर्णिमा अपना एक महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा और भी अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। विवाहित महिलाएं इस समय वट सावित्री का व्रत रखती है। यह अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद पाने के लिए रखती है। वट पूर्णिमा का व्रत, यह व्रत विवाहित महिलाओं के द्वारा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन रखा जाता है। यह व्रत महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण के राज्यों में विशेष रूप से रखा जाता है, जबकि उत्तर भारत में यह व्रत वट सावित्री के रूप में मनाया जाता है, जो ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पड़ता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माना जाता है कि इस दिन सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। इसी कारण विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखती है। इस वट पूर्णिमा को बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। सुहागन औरतें मिलकर बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसे वट पूर्णिमा कहा जाता है, जून महीने की पूर्णिमा में सुहागनी औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती है। आज कोरोना के चलते जो है ये व्रत रखा तो गया है, लेकिन जिस तरह से हर साल पूजा होती है, वट के पेड़ की पूजा की जाती है, सुहागनी मिलकर ये पूजा करते हैं। आज भी यहाँ कुछ सुहागन औरतें हैं जिन्होंने पूजा की है, लेकिन जिस तरह से भीड़ रहती थी वो वैसी भीड़ इस साल नहीं दिख रही है। आइए हम जानते हैं उनसे कि किस तरह इस साल की पूजा रही है। क्या बताओगे, इस साल जो वट सावित्री आई है, कोरोना का असर इस पर है, क्या लग रहा है इस साल की वट सावित्री में? हर साल आप करते हो, क्या बताओगे? इस साल भीड़ नहीं है बहुत, और जितनी होना चाहिए उतनी तो है इतनी। दर वर्षी ज्याप्रमाणे आम्ही वट सावित्रीची पूजा करतो तसा उत्साह कोरोनामुळे या वर्षी पाहायला मिळालेला नाहीये। आणि लोकांमध्ये म्हणजे याच्या कोरोनामुळे एक भीतीचंच वातावरण आहे, आणि त्याच्यामुळे काही जास्त उत्साह लोकांना बायांमध्ये दिसलेला नाही आहे। तरी पण आपल्या येऊन राहिलेले आहेत, करतायत, आपली परंपरा आहे ती आपण जोपासली पाहिजे याकरिता, पण कोरोनामुळे सगळे भीतीचंच वातावरण निर्माण झाले। हर साल जिस तरह वट सावित्री की पूजा करते हैं, इस साल वैसा नहीं करा गया है, क्योंकि ये कोरोना वायरस के कारण हर लोग डर रहे हैं। जिस खुशी से करते थे वो खुशी अभी कम है। हाँ, जे व्रत है हे किती वर्ष झाले तुम्ही करता आहात? 6 वर्ष झाले, पण असं वातावरण नाही पाहायला मिळत होतं। याच्या अगोदर म्हणजे असं खूप उत्सव होतं, सगळे एकत्र येत होते, यावेळेस कसं दूर दूर उभे राहते। वट सावित्री का जो व्रत रहता है पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, क्या बताओगे इस साल आपने व्रत किया है? कितने सालों से व्रत कर रहे हो? मेरी शादी को अभी 10 साल हो गए, तब से मैं व्रत कर रही हूँ। 10 साल हो गए शादी को, तब से व्रत कर रही हूँ। लग्न झालेल्या स्त्रिया कधी कधी कुंवारिका पण हे व्रत करतात, आणि तर स्वतः म्हणजे नवऱ्याच्या आयुष्यासाठी किंवा असा जोडीदार मिळावा म्हणून व्रत केलं जाते। वट पौर्णिमेचं ही ज्येष्ठ महिन्यात येते, आणि वट पौर्णिमेचं महत्त्व म्हणजे प्रत्येक सुहागनबाई ही म्हणजे वडाची पूजा करतात, आपल्या पतीच्या लंबी उमरसाठी त्या पूजा करतात, आणि म्हणजे हे आहे त्यांचं आयुष्य दीर्घायुषी हो, हे म्हणजे याचं महत्त्व हे आहे। पूजा आंबे असतात आणि वडाच्या झाडाला प्रदक्षिणा मारतात, हेच महत्त्व आहे। हां हां, आंबे, ओटी, जे सुहागन बाया जे पिंड गव्हाची ओटी, कपडा वगैरे त्या झाडाला हे करतात, अर्पण करतात, ती पूजा केली जाते। ज्ञानेश्वरीचा ग्रंथ जसा मनोमनी ठसावा, मोरेश्वर रावांसारखा पती मला जन्मजन्मी मिळावा। माहूरच्या गडावर रेणुकेची वस्ती अजयरावांचं नाव घेते वटपौर्णिमेच्या दिवशी। आलंय पर्वतावर बर्फांचाराशी आकाशजीचं नाव घेते वटपौर्णिमेच्या दिवशी। वट सावित्री की जो पूजा रहती है, वट की पूजा की जाती है इस दिन, क्या बताओगे कितने सालों से आप पूजा कर रहे हो, क्या इसका महत्व होता है? अब मुझे शादी में 14 साल हुए हैं, तब से कर रही हूँ। क्या महत्व रहता है, किस तरह से पूजा की जाती है?
ये सुहागन के लिए होती है पूजा, हर साल अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये की जाती है। किस तरह से इसका क्या विधि किस तरह की होती है? सब मतलब औरतें, सुहागन औरतें मिलकर पूजा करते हैं इकट्ठा। तो अच्छा, तो ऐसे आम से पूजा करते हैं और पेड़ को ऐसे धागा लगा के गोल गोल प्रदक्षिणा मारते हैं पांच, ऐसे पूजा की जाती है। हर साल जो सुहागने औरतें रहती है वट पूर्णिमा मतलब ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जो है वट की पूजा करती है, वो भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण बचाने के लिए ये पूजा की थी और उसी के चलते यह परंपरा आज भी चलते आ रही है और सभी सुहागने औरतें हर साल ये वट पूर्णिमा का व्रत जो है वो रखती है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, NBC News नागपुर।